काश तू मेरे हुक्मों को सुनता। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 48 बाब 17 से 19 आयात। खुदावन तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कुदूस यूं फरमाता है, मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे फ़ायदेमंद बातें सिखाता हूँ और उस राह की तुझे हदायत करता हूँ जिसमें तुझे चलना है। काश के तू मेरे हुक्मों का सुनवा होता, तो तेरी सलामती दरिया की तरह, तेरी रासबाजी समंदर की मौजों की मानंद होती और तेरी नस्ल रेत की मानंद और तेरी सुल्ब की औलाद उसके जर्रों की तरह होती और उसका नाम मेरे सामने से ना काटा जाएगा और ना नाबूद होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमाइती जवाब, ऐ खुदावन जो तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्टाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावन की शरीयत में है और जो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब, ऐ खुदावन जो तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। जमायती जवाब, ऐ खुदावन जो तेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादिकों की जमायत ही में, क्योंकि खुदावन सादिकों की राह पहचानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावन जो तेरी पैरवी करता है वो जिंदगी का नूर पाएगा।